यहाँ पर हम देखने वाले मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों जो दोनों मीडियम के स्टूडेंट को समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, सबसे पहले बात करें हम जो मेंडल जी थे उन्होंने अपने जो प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर किए थे। अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे सबसे पहले तो जो बात करें मेंडल जी के टाइम पे ये जो क्रोमोसोम जी वगैरह है इसका पता नहीं था, उन्होंने इन्हें फैक्टर नाम दिया था। क्या नाम दिया था? फैक्टर नाम दिया था। तो क्या होता है कि यहाँ पर हमने टॉल का ये जो टॉल के एलील्स है आई मीन जी और ये डॉर्फिन के, तो डॉट को जो स्मॉल से दिखाया जाता है एंड टॉल को कैपिटल से, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैपिटल एंड ये डॉट। तो अब यहाँ पे इनको ये दो जो ये रहेंगे ये दो रहेंगे पेयर्स में, ठीक है। बट गैमेट जो क्योंकि डिप्लॉयड होते हैं, बट गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, तो इन्हें आप अलग अलग कर दिया आपने, ठीक है। गैमेट्स ये जनरेशन है और ये गैमेट्स। तो यहाँ पर ये गैमेट से जब क्रॉस करवाया गया कैपिटल टी का स्मॉल टी से, तो स्मॉल टी बना, फिर कैपिटल टी का स्मॉल टी से फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी बना, ऐसे यहाँ पर जब करवा दिया सारे, तो ये एफ1 जनरेशन में ऑल टॉल प्लांट्स में आई मीन उनका फिनोटाइपिक रेशियो अगर देखें तो ऑल टॉल था, ठीक है। क्योंकि वहां पर जो कैपिटल टी था उसने अपना जो क्योंकि इसने अपना लक्षण दिखाया, ठीक है, तो ये प्रभावी था, डोमिनेंट था, बट इसने अपना लक्षण नहीं प्रदर्शित किया और ये रिसेसिव था, तो इसीलिए ये कैपिटल टी टॉल था तो सारे टॉल नजर आए, ठीक है। तो यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो जो था वो यहाँ पर आपको यही यहाँ पे हाइब्रिड टी था, ठीक है। एंड आप जानते हैं कैपिटल टी डोमिनेंट होता है एंड स्मॉल टी रिसेसिव होता है, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पर ये लॉ जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है, एंड यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहाँ पे इन दो यहाँ पर हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी को ले लिया और इनके मध्य जो ये जो गैमेट्स है इनमें जब क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन में आप यहाँ भी देख सकते हैं F2 जनरेशन में एक क्या मिला हुआ था, ये आपको प्योर टॉल मिला, ठीक है, प्योर टॉल। कैपिटल टी और कैपिटल टी का क्रॉस कराया यहाँ पे प्योर टॉल मिला और ये दो हाइब्रिड डायमंड ये भी टॉल ही है और एक प्योर डॉल, ठीक है, एक प्योर डॉल। तो यहाँ पर हुआ क्या कि अगर फिनोटाइपिक रेशियो देखे तो ये तीनों लंबे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 3:1 मतलब 3:1 आया और ये जीनोटाइपिक 1 एक प्योर टॉल है, तो जेनेटिकली देखे तो यही टॉल है, तो एक टॉल और दो ये हाइब्रिड है एंड 1 डॉल, तो जीनोटाइप रेशियो आया 1:2:1, ठीक। हम देखेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस, जैसे कि आप सभी जानते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम दो लक्षणों के मध्य संकरण कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो लक्षणों के मध्य संकरण कराते हैं तो कोई हम दो लक्षण ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया है पौधे की ऊंचाई, ठीक है, एंड बीज का आकार, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो लिया है इधर हमने ग्राफ अभी हम इसे बताएंगे कैसे फिल करना है, एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टी ये क्या हो गया टॉल एंड ये आर क्या हो गया राउंड, ठीक है। और यहाँ पर ये डॉर्फ मतलब कि बीज की जो मतलब जो पौधे की ऊंचाई है वो छोटी है और ये बीज झुर्रीदार है, ठीक है, स्मॉल आर रिसेसिव है, ठीक है। अब इन हमने इनको अलग किया एंड यहाँ पर जब ये कैपिटल के स्मॉल टी स्मॉल आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर के मध्य जब कराए तो आपके जो ये गैमेट्स बन के आए हैं, ठीक है, इनका भी हम इधर क्रॉस करवाएंगे आपस में, इधर हमने देखा लिख लिया है इधर भी आप ऐसे कर सकते हैं एंड इनके इनके मध्य क्रॉस करवाइए, तो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर ऐसे, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर। अब ऐसे ही हम इसका ऐसे से करवा
स्मॉल स्मॉल। अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि कैपिटल वाला होगा प्रभावी एंड रिसेसिव वाला नहीं। तो जहाँ पे आपको एक एक कैपिटल दिख जाए वो तो समझ लीजिए कि वो तो टॉल राउंड है ही है, ठीक है, वो मतलब कि लंबा गोल है ही है। तो यहाँ पर ये लंबा गोल, क्योंकि ये लंबा है और ये गोल भी, ठीक है, यहाँ पर भी लंबा गोल, एक आर आपको दिख रहा है कैपिटल लंबा गोल, ये भी लंबा गोल, लंबा गोल, ये भी आपको लंबा गोल दिख रहा है कि एक यहाँ पे है ये लंबा गोल, साफ रेटिंग कार्ड नहीं लिख रही है ना, ये भी लंबा गोल, और हाँ ये लंबा गोल नहीं है, ये लंबा झुर्रीदार, क्या है ये लंबा झुर्रीदार, ठीक है, लंबा झुर्रीदार, और ये लंबा गोल, लंबा गोल, ठीक है, और ये लंबा झुर्रीदार, ठीक है, और ये लंबा गोल, ये लंबा गोल, गोल, और ये लंबा गोल भी नहीं होगा, ये क्या होगा, ये बौना गोल, गोल, ये भी बौना गोल, बौना गोल, ये भी बौना, ये नहीं, ये लंबा गोल, ये लंबा गोल है, ठीक, और ये भी लंबा झुर्रीदार, और ये बौना गोल, और ये बौना झुर्रीदार। चलिए अब रेशियो लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, कितने लंबा गोल है, एक दो तीन चार पांच, पांच और छह सात आठ, आठ नौ, नौ है लंबा गोल, ठीक है, नौ क्या है लंबा गोल, नाइन लंबा गोल। अब एक लंबा झुर्रीदार एक, ठीक है, और ये लंबा झुर्रीदार दो, ये लंबा झुर्रीदार, लंबा झुर्रीदार है तीन, लंबा झुर्रीदार, ठीक है, एंड आप देखते क्या बौना, बौना गोल, बौना गोल, बौना, बौना गोल, तीन है बौना गोल, बौना गोल, और एक है बौना झुर्रीदार, बौना झुर्रीदार, ठीक है, एक है बौना झुर्रीदार। और जीनोटाइपिक रेशियो आप याद कर लीजिएगा, फोर रेशियो टू रेशियो टू रेशियो टू रेशियो टू रेशियो फोर रेशियो टू रेशियो टू रेशियो टू रेशियो टू वन रेशियो वन रेशियो वन रेशियो वन, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, और आपके एग्जाम में ये डायहाइब्रिड क्रॉस पूछा सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये किस में पाया जाता है, तो एक मेरा जो मेरा भी जलापा है उसमें आपको देखने को मिलेगा पौधे उसमें, ठीक है, एंड ये क्या होता है जब विषम युग्मकी, ठीक है, विषम युग्मकी का आप मतलब समझते हैं, मैंने सम युग्मकी है विषम युग्मकी होमोजोगस हेटेरोजोगस इन सब के विषय में बताया, डोमिनेंट रिसेसिव जीन फैक्टर सारी बेसिक चीजों पे बात कर ली, ठीक है, तो यहाँ पर विषम युग्मकी अवस्था होने पर, विषम युग्मकी अवस्था होने पर क्या होता है कि जब प्रभावी और अप्रभावी, मतलब प्रभावी और अप्रभावी की जगह कोई नया ही मतलब जो है लक्षण प्रदर्शित हो जाए, जैसे कि उसके बीच का प्रभावी और अप्रभावी के बीच का लक्षण प्रदर्शित हो जाए, ना प्रभावी प्रदर्शित हो ना अप्रभावी प्रदर्शित हो, बट कुछ अन्य यानी उसके बीच का कोई लक्षण प्रदर्शित हो जाए तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अब देखते हैं कैसे होता है, सपोज दैट यहाँ पर एक लाल पौधा, एक लाल है और एक क्या है फूल, एक सफेद है, यहाँ पर ये इसके जो है आपको दिख रहे हैं जब इसमें क्रॉस करेंगे गुलाबी स्मॉलर कैपिटल आर स्मॉलर ये गुलाबी बन गया, और इनमें जब हम क्रॉस करवा के दे
के अलावा कुछ बन रहा है तो इसे हम जो है पूर्व प्रभाविता कहते हैं। और ये जीनोटाइप रेशियो हो गया है 1:2:1 एंड फेनोटाइपिक रेशियो भी हो गया है 1:2:1। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। अब हम बात करेंगे साह प्रभाविता की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साह प्रभाविता की अगर हम बात करें और वहां पर एग्जांपल हम क्या लेंगे तो मनुष्य का एबीओ रक्त समूह। तो कैसे ब्लड ग्रुप ए बन गया, कैसे ब्लड ग्रुप बी बन गया, तो आप सभी जानते हैं आरबीसी में जो एंटीजन होता है उसी को हम, उसमें जो जीन होता है उसी को हम ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं, जो शर्करा होती है ना। तो यहाँ पर अगर हम पहले डिफिनेशन की बात करें, जब दो विषम युग्मक युग्मक अवस्था होती है और दो विषम युग्मक की अवस्था के जीन जो होते हैं वो अपने दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं, दोनों ही गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम कहते हैं सह प्रभाविता। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि वो कौन होते हैं जो दोनों युग्मक को प्रदर्शित करते हैं, तो जैसे कि आप समझ लीजिए जो ब्लड ग्रुप में एक जीन रहेगा जिसके तीन एलील होंगे, जैसे कि आई जीन के तीन एलील आई ए आई बी और आई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर माता का आई ए है और पिता का भी आई ए है, ठीक है जीन, तो वहां पर ए शर्करा जाएगी और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, तो संतति में ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। एंड अगर अब हम यहाँ पर देखें कि आई में तो आई जीन में कोई शर्करा नहीं होती, कोई शर्करा नहीं बनती, तो वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। ठीक है, एंड अगर हम बात करें आई ए आई बी दोनों ही आई ए आई बी है तो शर्करा रहेगी बी और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बी। ठीक है, एंड अगर हम बात करें एक में है आई बी एंड एक में आई है तो यहाँ पर हमें बी शर्करा मिल जाएगी और ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। ठीक है, अब यहाँ पर आई ए मतलब कोई शर्करा नहीं बन रही, आई जी है कोई शर्करा नहीं है, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ ग्रुप हो जाएगा। एंड अब ये आप देख रहे हैं ये साह प्रभाविता वाला, यहाँ पर एक आई जीन है, आई ए जीन है, आई बी जीन है, तो यहाँ शर्करा हमें मिली आई बी, और आई बी शर्करा मिलने के लिए ये ब्लड ग्रुप हो गया ए बी ब्लड ग्रुप, और यही शर्करा साह प्रभाविता कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों ही क्या है अपने गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, जो कि साह प्रभाविता के नियम को अच्छे से समझा। तो अब हम देखेंगे बहुजेनी वंशागति। ठीक है, तो बहुजेनी वंशागति में क्या होता है, जब क्या होता है कि जो जीन है जो जीन होता है वो एक से अधिक जो जीन है वो अलग अलग ल्यूकस पर हो और एक ही समय पर एक ही लक्षण को निर्धारण करे। मतलब कि अगर यहाँ से आप इन डिफिनेशन समझ लो, जब दो या दो से अधिक जीन, मतलब जीन क्या है दो या दो से अधिक है, है ना, और लक्षण कोई क्या है एक ही लक्षण को प्रकट कर रहे हैं, वहां पर कई जीन क्या है मतलब दो या दो से अधिक एक ही लक्षण को प्रकट कर रहे हैं, लक्षण वहां पे एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जब एक से अधिक जीन अलग अलग ल्यूकस पर एक ही समय पर एवं एक ही लक्षण को निर्धारण करते हैं, एक ही लक्षण का निर्धारण करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बहुजीनी वंशागति। जैसे कि हम मनुष्य की त्वचा का रंग ले सकते हैं, ठीक है, क्या रहेगा वहां पे लक्षण, क्या यहाँ पर क्या बताया हमने कि लक्षण एक ही रहेगा, तो जैसे कि कलर रहेगा तो त्वचा का रंग ही है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये जीन होगी ए, ये जो आप देख रहे हैं ए बी कैपिटल येलो क्या रहेगा डार्क, लेकिन वो रंग ही है, लक्षण एक ही है, और ये वाला जो रहेगा ये रहेगा सांवला कलर, ठीक है, और ये जो रहेगा स्मॉल ए स्मॉल बी जो देख रहे हैं आप ये क्या रहेगा गोरा रंग, ठीक है। तो यहाँ पर बहुजनी वंशागति में बस यही ये चीज समझिए कि यहाँ पर दो या दो से जीन अधिक होंगे बट लक्षण एक ही लक्षण का निर्धारण होता है, ठीक है। अगर हम बात करें बहु प्रभाविता की, तो यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट है, जब कोई एक जीन जो होता है वहां पर एक जीन से क्या होगा कि अधिक लक्षण प्रभावित, एक जीन से अधिक लक्षण प्रभावित होते हैं जब, तो उस परिस्थिति को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बहु प्रभाविता। अब इसका कोई एग्जांपल, यहाँ पे तो हमने मनुष्य की त्वचा का रंग लिया था, बट यहाँ पे कोई एग्जांपल, तो यहाँ पर एक डिसीज है फिनाइल क्यूटोनोरिया, ठीक है, तो फिनाइल क्यूटोनोरिया
क्या होता है। तो यहाँ पर समझते हैं, पहले सबसे पहले यहाँ पे बात ये कि जो एक हमारी बॉडी में जो एक अमीनो एसिड होता है जिसे कहते हैं फिनाइल एलानाइन, ठीक है, फिनाइल एलानाइन जो होता है हमारी बॉडी में, वो क्या होता है जब टूटता है कि वो किसी एंजाइम की हेल्प से टूटता होगा, तो वो टूटता किसी एंजाइम की हेल्प से, तो टूटता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है, इस जो है एंजाइम की हेल्प से कौन टूटता है, फिनाइल एलानिन, ठीक है, कौन से एंजाइम से, तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की मदद से जो ये फिनाइल एलानिन होता है ये टूटता है, किससे, ये टूट के ये क्या है वहां पे कौन सा एक बन रहा है, तो ये टायरोसिन जो है टायरोसिन एमिनो एसिड बनता है, और टायरोसिन एमिनो एसिड का क्या क्या काम करता है, तो ये मस्तिष्क की जो प्रोसेस होती है, आई मीन जो मस्तिष्क में जो क्रियाविधि होती है उनको देख उनको मतलब देखता है, ठीक है, एंड हार्मोन का जो स्रावण होता है, आई मीन हार्मोन सिक्रेशन का, ठीक है, एंड जो पाचन संबंधी वर्क में भी इसका होता है काम, एंड मेलानिन का जो मेलानिन प्रोड्यूस होने का जो रहता है उसमें भी इसका वर्क रहता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 1, 2, 3, 4 मतलब कई अच्छा आपको देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या की थी, एक ही एक जीन से एक से अधिक लक्षण प्रभावित होते हैं ना, तो यहाँ पे देख रहे कई लक्षण, जब ये यहाँ पे नहीं बन पाएगा तो यहाँ पर ये सारी प्रोसेस रुक जाएंगी, आई मीन ये नहीं हो पाएंगी, तो ये ऐसा कैसे होता है, तो होगा ये कि जब ये जो फिनाइल एलानिन है ये क्या रहेगा, यहाँ पे अगर ये जो एंजाइम था फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जब इसको जो जीन बनाता है जब ये नहीं बन पाएगा और ये फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदल पाएगा, आई मीन यहाँ पे टूट नहीं पाएगा, तो ये सारी प्रोसेस रुक जाएगी, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी ना। तो अब हम बात करेंगे उत्परिवर्तन की, आई मीन म्यूटेशन की। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी जैसे कि डीएनए में कोई अचानक से जो परिवर्तन आ जाता है इसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि जो डीएनए है उसके अनुक्रम, जैसे कि आप जानते हैं डीएनए का अनुक्रम तो पढ़ाई है, तो डीएनए के अनुक्रम में जो बदलाव ला देता है, ठीक है, डीएनए के अनुक्रम में जो बदलाव ला देता है इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप, मतलब कि जो जेनेटिकली एंड जो आपका बाहर से जो दिख रहा है फिनोटाइप, दोनों में ही परिवर्तन आ जाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। और ये उत्परिवर्तन जरा सा भी हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन बिंदु परिवर्तन भी, और पूरा फ्रेम शिफ्ट भी हो सकता है, अलग बिल्कुल ही हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें पॉइंट म्यूटेशन की, सपोज दैट ये जो अनुक्रम था आपका ये पूरा एज ए सेम था, और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ा सा बस एक जगह यहाँ पे ओ हो गया है, तो एक जगह ही परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पे हम इसे कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है कि यहाँ से पूरा ये बदल ही गया है, तो इसे हम कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। एंड अगर हम बात करें इसका कोई एग्जांपल, तो इसका एक एग्जांपल है कौन है, तो वो एक आपका जो दात कोशिका आरेखता आई मीन सिकल सेल एनीमिया, जो अब यहाँ पर हम अगर बात करें बिंदु परिवर्तन की, तो एक यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया सिकल सेल एनीमिया का, तो ये जो आरबीसी रहती है वो नॉर्मल रहती है, आरबीसी जो ब्लड में आरबीसी है, और ये जब सिकल सेल एनीमिया आई मीन यहाँ पर जब परिवर्तन हो गया है तो ये आरबीसी सिकल सेल की हो गई है। अब ऐसे परिवर्तन हुआ तो आप ये देख रहे हैं एमिनो एसिड जो है यहाँ पे, ये एमिनो एसिड, तो इसमें जो 6 नंबर का एमिनो एसिड होता है ग्लूटामिक, तो जब ये आगे जब इसमें पोस्ट म्यूटेशन हो जाएगा तो यहाँ पर 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, तो यहाँ पर बस जरा सा परिवर्तन यानी कि बिंदु परिवर्तन हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बिंदु परिवर्तन क्या होता है, बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, मतलब पॉइंट म्यूटेशन आपको समझ में आया होगा इस एग्जांपल से, और आपको सिकल सेल एनीमिया भी समझ में आया होगा। एलील क्रोमोसोमल सहलन अप्रभावी जीन रक्त विकार है, ठीक है, जो जनकों से संबंधी में वंशानुगत होता है, और ये क्या होता है कि उत्परिवर्तन होता है या फिर गुणसूत्र में कोई डिलेशन के कारण होता है, ठीक है, और थैलेसीमिया के जो रोगी होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती कम हो जाती है, और थैलेसीमिया दो प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया, तो ये आपको अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया हम अलग अलग दोनों का वीडियो बना के बताएंगे, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया ये क्या होता है, इसमें 16 क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, उसमें 11 क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, इन सब
के विषय में बताएंगे, ठीक है। तो आप ये यहाँ पर समझ लीजिए इतना कि ये जो थैलेसीमिया होता है इसमें रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, मतलब ग्लोबिन चेन जो होती है वो कम मात्रा में बन रही होती है या फिर ज्यादा ही मात्रा में बन रही होती है या फिर कहीं पर डिफेक्टेड होती है, ठीक है। तो थैलेसीमिया यहाँ पे आपने समझा कि दो दो प्रकार की होती है, एक अल्फा थैलेसीमिया एंड एक बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। एक गुण शुद्ध बचा था, मतलब ये लिखेंगे आप ऐसे 2n+1 = 46, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 46+1, ठीक है, यहाँ पर 46+1 एंड यहाँ पर आएगा 47, ठीक है। मतलब 46 जो 21 क्रोमोसोम्स है इसमें जो जोड़ा, जैसे कि ये जोड़ा समझ लीजिए एक्सेस का है और यहाँ पे एक और बढ़ जाए, ऐसे ही यहाँ पर मतलब कि 21 क्रोमोसोम्स पे एक एक्स्ट्रा कॉपी ऐड होती है, ठीक है। और तब जाके सिम्टम्स क्या बनते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे हम ये देखें जब मियोसिस डिविजन होता है तो जब ये इसने अपने आप को सेपरेट किया, ठीक है, और फिर जाके इनसे जब ये दो बन रहे हैं तो आपने देखा कि जैसे कि सपोज जब ये मेल सेल हम समझ लेते हैं, ठीक है, ये स्पर्म एक जगह से फ्यूज होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसे जरा सा आप ध्यान समझिएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये दोनों तो मतलब कि यहाँ पे हो गए 2n, ठीक है, इससे मिलेगा ये हैप्लॉइड सेल थी ना, ये दोनों हो गए मिले तो ये 2n हो गया। बट यहाँ पर क्या होता है, ये जब एक दूसरे से जब सेपरेट अलग हो रहे होते हैं तो ये वाला जो क्रोमोसोम है ये क्या होता है, ये अलग ना हो पा करके इसी एक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले से अगर एक होता तो ये बनती डिप्लॉइड सेल, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कि जो यहाँ पे मैंने बताया कि ये इधर ना जाके ये यहाँ पर भी आ जाता है ये क्रोमोसोम, और जब ये से फ्यूज होता है तो ये यहाँ पे एक ज्यादा ही हो जाता है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आएगी, तभी ऐसी कंडीशन ट्राइसोमी कहलाती है, ठीक है, कैसी कहलाती है, ट्राइसोमी, ठीक है। फ्लैटेंड फेस हो जाएगा, ठीक है, और इसे जो सिम्टम्स है स्मॉल हेड, छोटा सा हेड होगा, नेक होगी शॉर्ट होगी, मतलब छोटी बिल्कुल ये जो बॉडी बनेगी यहाँ पे नेक हो जाएगी बहुत शॉर्ट होगी, एंड फिर यहाँ पर जो टंग होगी वो थोड़ा निकली हुई होगी, प्रोटोबंडिक टंग होगी, ठीक है, बाहर निकली हुई, ठीक है, और स्लैंटिंग आईज होगी, जो आईज भी मकुली जड़ता की तरह, ठीक है, जो पलके रहेंगी वो बिल्कुल जो है थोड़ा अजीब लगेंगी, एंड स्मॉल ईयर्स होंगे, छोटे कान होंगे, ठीक है, एंड शॉर्ट हैंड होंगे, हाथ छोटे होंगे, एंड पुअर मेंटल एबिलिटी, जैसे कि इनका आईक्यू लेवल बहुत कम होगा, ठीक है। एंड अगर हम बात करें टर्नर सिंड्रोम की, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या जो इंडिविजुअल होता है उसमें कितने होंगे, 45 क्रोमोसोम्स, मतलब एक क्रोमोसोम कम पड़ जाता है, क्या हो जाता है, जो सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज है, ठीक है, ये क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होता है, तो क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो जानते हैं, 1 पेयर होता है, इसमें 42 पेयर होते हैं, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम जो होती है इसमें जो ग्रसित होती है स्त्रियां और लिंग गुणसूत्र के लिए क्या होगा इसमें कि मोनोसोमिक होती है, कैसे, तो यहाँ पर जो रहेगा कि केवल एक एक्स रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, जैसे ये दो होते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, केवल एक एक्स रहेगा, एक्स की जगह आप यहाँ पे ये जीरो कर सकते हैं, ठीक है, पेयर के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि एक ही एक्स रहेगा, और इसमें क्या हो जाता है, अगर हम बात करें इसमें क्या सिम्टम्स होंगे, तो जो जननांग होंगे अल्पविकसित होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा इसमें 45 होंगे, ऐसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर एक जो क्रोमोसोम है वो कम हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर मतलब एक आप देख रहे हैं एक ही एक्स रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होते हैं ये लिंग गुणसूत्र की जो है ट्राइसोमी के कारण होती है, जो क्या है, ये लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेल फीमेल का ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिक्सर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो 23 सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनमें जो है एक वाई लिंग गुणसूत्र बढ़ जाता है, और ये यहाँ पर आप ऐसे से लिख सकते हैं, ये आप देख लीजिए, ये 2n+1 = 47, ऐसे आप लिख के भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लक्षण दिखेंगे वो जो है नर मादा बिल्कुल मतलब कि जो है थोड़ा सा
मदर जैसे थोड़ा सा इनर यानी मिक्सचर जो है जो वो दिखेंगे कैरेक्टर्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये सिंड्रोम्स इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद रखिएगा किसमें क्या होता है, ठीक है।